तराई क्षेत्र अथवा मधेश क्षेत्र में चाहे यो प्रथा अझै पनि कायम नै छ। यसले पीड़ित हुनु परेका धेरै चेलीहरू गुमनाम बसिरहेको पनि हामीले देखि नै रहेका छौं। धेरैले आफ्ना दुःखहरू पोख्नु हुन्न अथवा बाहिर ल्याउनु हुन्न। एउटा त्यस्तै घटना आज हामी सार्वजनिक गरिरहेका छौं, जुन घटनामा दाइजो नल्याएकै कारण चाहिँ श्रीमतीलाई कुटपीट गर्ने, त्यसै गरी तथानाम भन्ने घरबाट निक्लेर जा भन्ने गाली गलोज गर्ने, प्रहरी प्रशासन समेत पनि यसमा नतमस्तक हुनु परेको बाध्यात्मक अवस्था पनि उहाँहरूले बताइराख्नु भएको छ। यो विषयमा थप चर्चा गर्नेछौँ। पहिले जो पीडित हुनुहुन्छ सीता पटेल, त्यसै गरी उहाँका अर्का सहयोगी हुनुहुन्छ, दुवैजना हुनुहुन्छ, दुवैजनालाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँहरूलाई। स्वागत छ तपाईँले पनि। जस्तो सीता पटेलजीलाई सँगै आउन चाहेँ, उमेश शाह तपाईँको श्रीमान होइन? नमस्ते, मेरो हस्बेन्ड हो। मेरो त घर तिन मूर्ति चौक 13 नम्बर वार्डमा छ। मेरो नाम त सीता पटेल पर्यो। यही घटना हो, म त कोर्ट म्यारेज गरेको छु, मेरो त परवान छ कोर्ट म्यारेजको। फेन असार चौथा तिसरा महिना 24 गतेको म बिहे गरेको छु कोर्ट म्यारेजको। 24 गते के शादी हम कहिले भने अपने के रगल कि 10 दिन हम उनका संगे बैठनी हम 10 दिन वहाँ से उनका संगे बैठ के तल उनका पापा मम्मी हमारे साथ फोन फान में धमकी समकी बहुत ढेर बहुत ज़्यादा दिलन। तो हमने के निशान पर्सा जिला में निवेदन दल निशान शांति सुरक्षा के 12 गते चौथा महीना 12 गते के निवेदन जिला पर्सा में पड़ल। चौथा महीना 13 गते के हमारे पकड़ाऊ है, इन्हें पकड़ाऊ है हमार इन्ने प्रशासन हमारे घर के चाभी आ फिर लॉकेट जो हम पहले रही सोना के लॉकेट आ चाभी प्रशासन का गलत और केकरा के दिलेबा केकरा ना प्रशासन हमारे घर के तलाशी कैलक, जाके घर के तलाशी कैलक हम मुँह में नहीं गए, हम चेक भी नहीं कैले, हमरा के भीतर थून दिलक। थूनला पर ओकरा बाद में हमरा के चाबी फेन लिया के देवे पड़ल, तो चाबी ना लिया के दिलक, हमरा के 29 दिन तक भीतर रख दिलक। एसपी हमरा से कोई भी आए भेंट करे आवत नहीं लोग, दीदी साथी सर लोग भी आवत नहीं लोग, हमरा से एसपी भेंट ना करे देवे। बहुत बहुत ज़्यादा हम परेशानी में भी रहनी हम, हद से ज़्यादा हमरा के बहुत ज़्यादा एसपी हमरा के टचर कैले बैठे। टचर करते करते बाद में हमरा पानी चढ़े लागल, वही में से 15-16 दिन हो गए हमरा खाना खैला, दू दिन तक हमरा नारायणी हॉस्पिटल में पानी चढ़ल बा कह दिए में से, दू दिन तक हमरा पानी चढ़ल ओढ़ल। ओकरा बाद में अदालत में झूठो के हमारे ससुराल के लोग नगीरता के इंडियन कह के नगीरता इंडियन है कि नगीरता पर केस कह के हमरा के भीतर कर सास ससुर रह गल। सामुदायिक सचिव जौन दिलीप प्रधान बरन उ पैसा लेके काम करता रहन, हमरा से सास ससुर से पहले भी झगड़ा बढ़ रहे, तो हम दिलीप प्रधान जी के 50,000 रुपये हम दे ले बानी सामुदायिक सचिव हुआ। उ कलन का कि अपने नाव की तमरा के पैसा दी हम महिला लोग के खियावे के बाद हम का कहनी पैसा हम दे देनी 50,000 रुपया 2 महीना पहले के बात है, अभी कोर्ट मारे से हम ना को लेनी, तो हम दिलीप प्रधान जी के हम दे देनी देला पर तो हम धरोटी नगिरता के होना। ये दिलीप प्रधान मंगलन कि हम मैंने हम पीड़ित रहनी ना, उनका पापा मम्मी हमारे से पहले से टचर करते रहे जौन लड़का से शादी कैले बनी, तो उनका से हम पहले ही हम कहनी, तो हम दिलीप प्रधान हमारा घर के बगल में 3-4 गो घर हटके समुदाय के बटे, तो हम उनका से सारा बात रखनी। तो वो कहलन का कि ना कि तो महिला सबके खियावे के बा पैसा चाहिए, तो हम कहने के कि हमारा जैसे भी हमारा घर में हमारा रहेगा हम तो शादी ब्याह कर ले बनी, तो कहलन कि पैसा घर में रहेगा तो महिला सब तो आए वाला 2 गो पैसा तो खियावे के पड़े, हम वहीमें का कहनी हम पैसा 50,000 रुपया निकाल के दे दें। दिलीप प्रधान ले लन हमरों से ले लन, हम काम भी ना कोलन, हमरा के उल्टा लड़का के घर से मिल के हमरा के दुनिया भर के गलत गलत अछरंग लगा रहल बरन, गाली दे रहल बरन, बदनामी हमरा के कर रहल बरन। हमार धरोटी खुलल 60,000 नगीरता के कैंड में 60,000 खुलल, हम लोग पैसा ना जुटे सकल, हम चल गई हम कारागार में, कारागार में गईनी ओकरा बाद में 5 दिन के बाद में हमार चांदी के पायल चांदी के लॉकेट बिछिया सोना के अंगूठी हम गहना बेच के कारागार में हम का कनी कारागारे से
गहना बेच के देनी उमे के चौकदारिन बारिन कारागार के सीता नाम बटे उनको तो का कलिन बने थी कहके 45,000 रुपया हम पैसा जुटा के हम देनी 15,000 रुपया फिर दूसरा पैसा मांग के देवल गल कारागार में ले जाकर पैसा दिलक लो एतवार 13 गते के पाँचवा महीना 13 गते के गल आदमी अदालत में पैसा बुझावे अदालत में जैसे पैसा बुझावे जाता आदमी तल उ प्रशासन का कहलक पैसा सहित उ आदमी के भीतर कर दिलक उ पैसा हमरा ना मिले सक ना हम छूटे सकने फिर दोबारा जाके प्रशासन के मने कारागार से जेल आदमी जो मने जो सर बानी मेम सर उ बात गई तो बाद में 45,000 रुपया आयल उनमें से और पैसा फिर व्यवस्था करके दोबारा फिर जाके हम छूटनी हम 22 घंटे के पाँचवा महीना 22 घंटे के हम उनमें से आयल बनी ना तो अनी तो हम अपना घर में गई तो चाबी हमारा दू गो रहे मेम गेट के चाबी तो जैसे वो कहला कि एगो बाहर के मन रखा जला एगो चाबी हम अपने पास में तो हमारे जौन चाबी रहे तो प्रशासन ले रहे अनी चाबी खोलनी दू गो लोग के खड़ा करा के घर में गई वही में के किरेदार देख लो हमारा घर में सारा सामान छितिर बितिर भल बा सब सामान LCD रहे बिछावन के नीचा हमारे ओते के लोग भी जानता कि बिछावन के नीचा हमारे घर पट्टी के पैसा 1,00,000 रुपया जैसे धल रहे उ पैसा गायबा LCD गायबा कूलर गायबा टे सारा चीज छिति बितिर भल बा दराज तहाक ले खोलल वैल बाटे दराज में हम तो खोलले नहीं कि दराज के चाबी ला उ प्रशासन लेके अब केकरा के देले बा केकरा के नहीं के देले हमने किया चाबी के झोंके हमरा से हाथ में प्रशासन ले लो दे देलक अब केकरा के देले बा हमरा मालूम नहीं किया दराज ना खोलिम घर के सामान सब छिति भी दे के डरा के हम घर से बाहर हो गई हम घर से बाहर हो गई तो फिर किरदार रोल लोग रहे हम उन लोग के सामने में कह के दे के रो के हम निकल गई हम अपनी स्कूटी लेनी स्कूटी लेके हम बाहर निकल गए एगो ठाकुर हम कैंपस बटे ओते ही जाके मन शांत कह के ओते ही हम रोनी उनी ओते बैठनी उठनी बैठ उठ के आ तब हम अनी तो 9 बजे रात के हम घर में ढुकनी 9 बजे दिल्ली प्रधान जौन है समुदाय के सचिव बरन दिल्ली प्रधान आज हमार ससुर दोनों आदमी दिल्ली प्रधान हमारे झोटा पकड़ के देवाल में धके लड़ा दिलन लड़ा के अब वो कथी से कटलक लोग हमारे जांग पर भी कटल बा दोनों हाथ पर भी कटल बा पूरा पीठी से पर बा अपने के विश्वास नहीं कि हम अपने कोई महिला के बोला ही हम देखा भी देते नहीं कि काटल बा कि ओकरा बाद में हमरा के प्रशासन किरदार लोग बोलैलक लोग प्रशासन वो रात के 10-11 बजे रात के बोलैलक लोग प्रशासन आयल हमरा के प्रशासन ले जाके हॉस्पिटल में भर्ना कैलक हम पानी उनी चढ़ल रिपोर्ट वोट सब मिलल हम दिन में 10-11 बजे हम लेट से पहुँचनी निवेदन लिखवा लगनी हम बहुत तंगा अथी रहे दिक्कत रहे 11-12 बजे खानी गईनी SP से बात भल SP सोझे कहता कहती तू ओरा जितना जल्दी हो को उतना जल्दी यहाँ से चल जो इन नेपाल से इंडिया तू चल जो तोरा नेपाल में रहला के जरूरत नहीं के फाइल का कहलक SP धके दुगाधा कर दिलक हमरा के SP गाली दे के इतना गंदा गंदा गाली दिलक इतना हमरा साथे अन्याय कैलक हमरा के सोझे कह के कि तू अपन चेहरा हमरा सामने में मत देखा हम कौन ऐसा गलती कैले बनी हम गलती ये कैले बनी कि हम कोर्ट मैरिज कर लेनी हमरा तो जब आदमी के शादी ना करे के तो हम तो शादी हमरा करे के हक अधिकार नहीं के वो खातिर SP इतना हमरा के गंदा गंदा गाली दिलक इतना कहलक कराइन कराइन मुद्दा फट के आदमी के बोल दिलक कि एक मुद्दा दर्दन ना करे के एक के कोनो नहीं के चीर ले अपना हाथे चीर के आके आ तब भी कहती है कि हमरा के फलना आदमी चीर ले भाई फलना आदमी के फंसा रहा बा ठीक बा हम जब दूसरे के फंसा तो फिंगर तो भी तो ले पड़ल ना ओकर तो पूरा चीज परवान भेटे हम अपना हाथे कटल हम तो फिंगर तो हमारे बैठल हुई के कटल बा के ना हमरा ओका बिहान मिला से ओ दिनों से हमरा के ना दर्ता कैलक हम कहूँ भी जाता नहीं हमारे जान के हमारा खतरा बटे SP कहता कहती तोरा नेपाल में नहीं के रह के फिर का कैलक हम घर में हम ओ दिन से ना घर में ढुकनी हम घर में से जाके दूसरा तीसरा ठंड रहता नहीं सर संग संग साथी सबके घर में रहता नहीं दिल्ली प्रधान समुदाय के सचिव दिल्ली प्रधान उ सर साथी सबके घर में जा जाके ओकरा के डरवाओ तो धमकाओ तो तोर घर का बा ओते ही कौन कौन सामान रख ले बानी स्कूटी रख ले नहीं स्कूटी के का कैले बा स्कूटी ना लिया के हमारे ब्लू बुक कागज सब बाटे सारा गाड़ी के कागज सब बाटे उ दिल्ली प्रधान लड़का के बाप सारा कोई उठा के हम लगे ले चलाइल बेटे ई ऐसा नहीं सर हमारा साथे घटना घटता तपाईँ माथि जुन अन्याय भएको भनेर तपाईँले भनिराख्नु भएको छ यसको जस्तो आधारहरू के छ तपाईँले ठ्याक्कै तपाईँको घटना तपाईँ नै पीडामा परेको भन्ने अर्को कुरो तपाईँले तपाईँको ठ्याक्कै माइती चाहिँ कहाँ हो अलिकति बताइदिनुहोस् मेरो त माइती धरानमा छ हम त 6-7 वर्षके रहनी तभी हम घर छोडके हम चले नि
6-7 वर्ष का रहने हमारा यहाँ रहते हुए 20 वर्ष होगा तपाईलाई भारतीय भनेर भारत जहाँ भारतीय हो भनेर आरोप लगाइराख्दाखेरि तपाई भारतीय नै हो भन्ने प्रश्न मेरो भारतीय होइन म त भारतीय होइन म नेपालीको हो म नेपालीको हो दिल्ली प्रधान हाम्रा कि यतना टर्चर गरिदेलबाटै प्रशासनकेले कि यतना डेरवाद लग हामी जब थुनामा घेराएर नि त दिल्ली प्रधान कहे कति कि तु खालि कह दे भारतीय है हम तोरा के अफिन निकाल हम ऊ डर के मारे हम का पनि मुँह में सम्म निकल गए कि हम भारतीय है भारतीय हम ना है हम नेपाल के रहे वाला है धरान के रहे वाला है हो तर तपाईलाई नक्कली नागरिकता बनाएको भन्ने आरोप पनि लागेको छ नि हो मेरो ओही नागरिकताको आरोप हो यसैले गर्दाखेरि प्रशासनले तपाईलाई नहेरेको हो प्रशासन त घुस एसपी त जैसे भी घुस ले लेबा हम तो लिख के दे देम कि एसपी जब घुस जब घुस ना ले ले रहा हमारा क्वेश्चन को रहे ठीक हम अदालती के समय चल रहा बा नागरिकता है के श्रीमान अब का करें मान न्यायाधीश का करें का ना करें अब अदालत बताई हमरा के तभी तो अदालत तो हमरा के कहले नहीं के ना कि तू नेपाल जो चाहे हमारे नागरिकता के खारिज भय हो के चाहे कुछ भी अभी तो हम तो नेपाल में रह सकते हम तो अभी तो धरोटी पर चढ़ एसपी के हक अधिकार के दे दिल कि तू जल्दी से जल्दी तू नेपाल चल जाओ काहे कहू हम तो मुद्दा तो दर्ता करे चाहिए ठीक है मैं तपाई को यहाँ सहकर्मी जो साथ दी रख्नु भएको छ उहाँलाई पनि सोध्न चाहे वहाँ के प्रश्न रूप में नेपालीमै बताइदिनु हुन्छ धेरै भन्दा धेरै दर्शक हाम्रो नेपाली भाषी पनि हुनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो पनि नबुझ्ने त होइन धेरैले बुझ्नु पनि हुन्छ भोजपुरी म आफै पनि बुझ्छु धेरै उहाँले भनेका कुराहरू तर अलिकति जसले भोजपुरी बुझ्नुहुन्न उहाँको लागि पनि प्रस्ताइदिनु र थप घटना तपाईँलाई के जानकारी छ त्यो पनि बताइदिनु होला अब उहाँलाई अन्याय भइसकेपछि उहाँले जिल्लामा चाहिँ धेरै न्यायका लागि याचना गर्नुभयो उहाँले न्याय नपाइसकेपछि उहाँले मलाई सम्पर्क गर्नुभयो कि मलाई यसो यसो भयो होइन मैले लभ मारे चाहिँ म आफै पनि पत्रकार हो होइन म पनि यस्तै अब मधेसका इस्युहरू लिएर दाइजोका पीडितहरू व्यक्तिहरूको लागि न्यायको आवाज उठाउँदै आएको छु होइन अनि उहाँले मलाई सम्पर्क गर्नुभयो मलाई यसो यसो भयो मैले ल म्यारेज गरेँ होइन अदालती विवाह भयो हाम्रो विवाह भइसकेपछि के भएछ भने ससुराले चाहिँ एक हप्तापछि मेरो कोठामै आएर त्यहाँ पनि प्रहरीको मिलोमत्तोमा प्रहरी लिएरै आउनुभएछ त्यहाँ उहाँले भनिरहनु भएछ सामुदायिक प्रहरी भन्ने हुन्छ त्यसको सचिव चाहिँ पारसा जिल्लाको सचिव भन्ने हुनुहुन्छ दिलीप प्रधान उहाँले चाहिँ अब पैसा खाएर उहाँसँग पनि पैसा खाएको कुरा उहाँले भर्खरै भन्नुभयो र उहाँको ससुरासँग पनि पैसा खाएर उहाँलाई चाहिँ अब टर्चर दिनकै लागि उहाँको ससुराको साथमा आउनुभयो र उहाँलाई अब कपाल समातेर उहाँले मलाई भनेअनुसार कपाल समातेर पर्खालमा उहाँको ठोक्नुभयो होइन त्यसपछि टाउकोमा अलिकति उहाँको अलिअलि यता होला के चिनहरू छन् त्यसपछि उहाँको ससुराले ज्यान मार्ने उद्देश्यले छोडा लिएर आएको उहाँले भन्नुभएको छ छोडा लिएर आएर उसले चाहिँ पिठोमा 3-4 ठाउँमा पनि चाहिँ काटेको पनि छ उहाँसँग हामीसँग अहिले पनि फोटो पनि छ उहाँको अनि त्यति मात्र होइन त्यसपछि उहाँले बसिरहेको कोठाभित्रको भएको सामानहरू पनि लग्नु भएको छ गहना हुन्छ गहना लग्नु भएको छ पैसा पनि लग्नु भएको छ तपाईँको कुलर छ एसीहरू छ एलसिडी छ सबै सामान फुटाइदिनु भएको छ उहाँलाई यस्तो जुन हुन्छ नि अब मानसिक तनाव दिनुभएको छ उहाँहरूले होइन तिमी त्यहाँ बस्छौ भने तिमीलाई जानैदेखि मारिदिन्छौँ हामी त्यस्तो मतलब उहाँहरूले धम्की दिनुभएको छ त्यति मात्र होइन उहाँको चाहिँ नेपाली नागरिक नै हो उहाँको वंशज नागरिकता पनि नेपाली नै हो भर्खरै तपाईँले सुन भारतीय भनेर आरोप नै लगाइरहनुहुन्छ अब यसो छ अन्तर्जातीय विवाह छ तपाईँलाई पनि थाहा छ मधेसमा जात जातमा बिहे हुन्छ जात जातमा बिहे गरेपछि के हुन्छ भने दाइजो मिल्छ क्या अब उहाँले अन्तर्जातीय बिहे गरेपछि त अब त ससुराले त दाइजो पाउने भएन अब यो सम्बन्ध छुटाउनु पर्यो उहाँले अब कानुनी विवाह भएको हुनाले उहाँले अलि सहज रूपमा छुटाउन सक्नुहुन्न त्यही भएर आरोप लगाएर होइन अब कसरी हुन्छ यसले मतलब अनागरिक कसरी साबित गर्ने के यो भारतीय हो भने कसरी साबित गर्ने कसरी यसलाई जेलमा कानुनी कारवाहीमा फसाउन सकिन्छ भन्ने अनि त्यसपछि फसाइसकेपछि के हुन्छ भने अब त्यहाँ बार्गेनिङ गर्ने के अब उहाँलाई फसाइसकेपछि अब उहाँले निस्किने नसक्ने भएपछि कि त तिमी मेरो केटालाई छोडिदे मेरो छोरालाई छोडिदे विवाहलाई डिभोर्स दिइदे त्यसपछि म तिमीलाई छुट्याइदिन्छु भन्ने एउटा बार्गेनिङ गर्ने उद्देश्यले उहाँलाई फसाइएको हो क्या उहाँहरूको अनि यति मात्र होइन उहाँ जहाँसम्म कि प्रशासनले अदालतले नै दोषी साबित नगरेको बेलासम्म त कानुनले पनि त दोषी मान्दैन अनि उहाँले कानुनले चाहिँ उहाँलाई दोषी मानेकै छैन उहाँले इन्डियन हो भनेकै छैन तर उहाँहरू आफै चाहिँ उहाँलाई इन्डियन हो तिमीलाई यहाँ अधिकार छैन बस्ने अधिकार छैन भनेर भनिरहनु भएको छ यहाँसम्म कि उहाँलाई पीडित हुँदा उहाँले अब शारीरिक तनाव हुँदाखेरि उहाँलाई काटिएको छ त्यस्तो कुराहरू अब प्रहरी प्रशासन कहाँ लैजाँदा पनि अब प्रहरी प्रशासनले उहाँलाई के भन्नुभएको छ भने तिमी यहाँबाट गइहाल गाली गरेर तथा नाम गाली गरेर पठाएको छ
कम्तीमा मुद्दा त दर्ता गर्नुपर्थ्यो, के हो सत्य तथ्यको अनुसन्धान हुनुपर्थ्यो, तर उहाँहरूले अनुसन्धान पनि गर्नु भएन, सत्य तथ्य के हो पनि बुझ्नु पनि भएन। एउटा एसपीले न्याय दिनुको साटो गाली गरिरहेछ, तपाईँ आफै पनि बुझ्नुहोस् कि यहाँ कतिको मतलब यो अन्तर्जातीय विवाहलाई आर्थिक चलखेल भएरै यो केसलाई चाहिँ अथवा यो उहाँहरूको विवाहलाई चाहिँ छुटाउन खोज्नु, यो त स्वतः रूपमा देखिरहेछ नि त, कम्तीमा त अनुसन्धान त हुनुपर्थ्यो नि त तपाईँ नि हो, किनभने ठिक छ उहाँले यो दावी गर्नुभयो नि त, म र जिउमा उहाँहरूले छुरा प्रहार गर्नुभएछ मलाई, मतलब कुटपिट हुँदा पनि प्रहरीले उजुरी लिन मानेन है, मानेन के भन्यो प्रहरीले, प्रहरीले एसपीले धेरै गाली, यो कति गते भएको तपाईँमाथि कुटपिट कुटपिट देखिन प गते भयो बाइस तेइस गते गरौँ बाइस गते गरौँ बिताइदिनु बाइस गते तपाईँ अदालतबाट थुनामुक्त हुनुभयो, त्यसपछि तेइस गते कुटपिट भएको तपाईँ के भनेर कुटपिट भएको त्यतिखेर हम उहाँ थुनामे साइल भने कारागार से नि घरमे डुक्ने रातकै हाम्रो पिटल गयो, घरमा किन आइस भनेर हो हो हो। अनि त्यसपछि तपाईँ प्रहरीमा जानुभयो, प्रहरीले एसपीले मेरो कुरा सुने सुनेको छैन, एसपीको नाम के हो तपाईँलाई जानकारी छ, एसपीको त नाम त थाहा त, बेलबहादुर पाण्डे, बेलबहादुर पाण्डे, यो कति 2078 भर्खरकै कुरो हो, हो यही भदौ हो दो महिना भयो, यी त दुई महिना भएछ बिहेको त दुई महिना भयो, मेरो कोर्ट म्यारेजकै यहाँ छ, यहाँ छ यहाँ छ त्यो जिल्ला न कोर्ट म्यारेजको भनेपछि यही तपाईँको केही हप्ता दिन अगाडि मात्रै आज लगभग 27-28 गते होइन 22 गते नि तपाईँ 23 गते नि तपाईँ कोर्ट म्यारेजकै कुटपिट भएको छ, ठिक छ, जस्तो 23 गते तपाईँ माथि कुटपिट भयो, तपाईँ 23 गते राति कुटपिट भयो, हो राति 9:30 बजेको 9:30 बजे, अनि त्यसपछि तपाईँ प्रहरीकोमा जानुभयो, प्रहरीले 24 गते प्रहरीकोमा जानुभयो, 23 गते छुटेपछि तपाईँ घर जाँदा तपाईँ माथि कुटपिट भयो, त्यसपछि 23 गते तपाईँ प्रहरीकोमा जानुभयो, एसपीले यो मुद्दा दर्ता हुँदैन त भारतीय नागरिक होस् भारत नै भाग भनेर भन्यो, धेरै गाली दिइरहेको थियो, त्यसपछि तपाईँले के गर्नुभयो, अन्य निकायमा जानु भएन कहीँ, म एसपीएको पासमा गएको थिएँ, त्यसपछि के भएको थियो अलिकति तपाईँ बताइदिनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँसँग अब यति अत्याचार भइसकेपछि उहाँ सिडिओ कार्यालय पनि जानुभएको उहाँले मलाई बताउनु भएको छ होइन, त्यहाँ जाँदा पनि सिडिओले पनि उहाँलाई थर्काएर पठाइदियो, उहाँले फेरि अब स्थानीय पत्रकारहरूसँग पनि यो कुरालाई मुद्दालाई लिएर होइन तपाईँहरू इभेन पत्रकारदेखि बुद्धिजीवीदेखि लिएर महिला अधिकार कर्मी मानव अधिकार कर्मीसँग पनि उहाँले सम्पर्क गर्नुभयो, तर उहाँहरूले पनि उहाँको कुरालाई सुन्न तयार भएन, किनभने उहाँहरूले पैसा खुवाइसक्नु भएको थियो अनि जहाँसम्मको थ्रेडसम्म दिइसकेको हुनाले उहाँको कुरा कसैले सुन्न मानेनन्, त्यसपछि उहाँले मलाई सम्पर्क गर्नुभयो, मलाई यसो यसो अन्याय भयो, अब मलाई न्यायको लागि अब न्यायको लागि पहल गरिदिनु पऱ्यो, हजुरहरूले सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो, अनि त्यसपछि हामी भन्यौँ ठिक छ तपाईँ हामी कहाँ आउनुहोस्, हामी काठमाडौँबाट तपाईँहरूको कुरालाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने चाहिँ कोसिस गर्नेछौँ भनेर उहाँले आश्वासन दियो, के पक्कै पनि तपाईँ त पत्रकार सम्मेलन पनि गर्दै हुनुहुन्छ, केही समय पछाडि तपाईँहरूको पत्रकार सम्मेलन पनि हुँदैछ, त पत्रकार सम्मेलनमा पनि तपाईँहरूले सारा सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी गराउनु नै हुनेछ, तपाईँको शुभ नाम ठ्याक्कै थाहा पाउन सकिएन, मेरो नाम राम निवास यादव हो, मेरो घर चाहिँ बारा हो कलैया हो, भनेपछि जस्तो यो घटना यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिको आइपुग्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा बढी दोषी को श्रीमान कि ससुरा के भन्नुहुन्छ, ससुरा ससुर हो, ससुराकै कारण हो, ससुरको कारण सबै भएको छ, दाइजो नपाएकै कारण ससुराले यस्तो गरेको, तपाईँको छोराले चाहिँ पहिला दाइजो चाहिँदैन, तपाईँको श्रीमानले माफ गर्नुहोला, तपाईँको श्रीमानले चाहिँ पहिला दाइजो चाहिँदैन, श्रीमान त ऊ त मलेसिया र अतरलन हामी चिनात नारणी उनका पापा मम्मी हाम्रोसँग भेटभाट गरै लगलो, उनका पापा मम्मी हाम्रोसँग बात गरै लगलो, इनका पापा मम्मी हाम्रा पसन्द कैलकलो,
अनि त्यसपछि उहाँ आउनुभयो, त्यसपछि कोर्ट म्यारेज भयो, त्यसपछि त्यतिखेर दाइजोको कुरा भएको थियो कि छैन तपाईँले ल्याउँदा? सात लाख रुपियाँको माग रह्यो। त्यसपछि त्यो सात लाख रुपियाँ तपाईँहरूले दिनुभयो, दिनु भएन? त्यही थियो दिएको थियो। अनि त्यसपछि त्यो दिँदा पनि नपुगेर ससुराले झन् बवाल गरेको हो? पाँच लाखमा दिएको थियो, दुई लाख हम नदेले र नि त्यही दुई लाख नपुगेर हो। पक्कै पनि दाइजोको कारणले जुन घटना, यस्ता घटनाहरू धेरै समाजमा हुने गर्छन् तर ती देखा पर्दैनन् दर्शकवृन्दहरू। यो घटना पनि एउटा उदाहरणीय घटना अथवा जुन समाजमा भइरहेका छन् त्यो घटनाको एउटा चस्मा मात्रै हो। यस्ता घटनाहरू धेरै हुने गर्छन्, विशेषतः तराई क्षेत्रमा यस्ता घटनाहरू चाहिँ घर घरमा हावी भएको पनि हामीले देख्न सकिरहेका हुन्छौँ। पक्कै पनि पीडित सीता पटेलले न्याय अवश्य पनि पाउने नै छन्। हेरिदिनुभयो, साथ दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँहरूलाई पनि धेरै, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, किनभने हाम्रो आवाजलाई तपाईँहरूले जनताको माझमा पुर्याइदिनु भएकोमा तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद।